हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल सीटेक में स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक बोर्ड वायरिंग करेंगे और ये बोर्ड वायरिंग फ्रेंड एक स्विच और एक सॉकेट होगा। फ्रेंड ये देखिए, ये मेरा स्विच जो है 16 एम्पियर का है और ये सॉकेट भी 16 एम्पियर का है। फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा। फ्रेंड बहुत सारे दोस्त को बोर्ड वायरिंग कैसे किया जाता है ये नहीं पता रहता है, कहाँ से इनपुट लेंगे, कहाँ से आउटपुट लेंगे ये बिल्कुल नहीं पता रहता है। फ्रेंड बोर्ड वायरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ से इनपुट लेंगे, कहाँ से आउटपुट लेंगे ये नहीं पता रहता है। तो आज हम जो बोर्ड वायरिंग करके आपको दिखाएंगे, फ्रेंड जिस टाइप से कनेक्शन करके दिखाएंगे, इजिली आप कोई भी बोर्ड वायरिंग अपने घर में कर सकते हैं। फ्रेंड तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए फ्रेंड बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये फ्रेंड देखिए मेरा बॉक्स है और ये आपका सीट है और ये 16 एम्पियर का सॉकेट है और ये 16 एम्पियर का स्विच है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सीट को यहाँ से निकाल लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए, सीट को इजीली फ्रेंड यहाँ से निकालिएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का दिया हुआ रहता है। तो चलिए इसके ऊपर वाला जो सीट है, सीट को हम इजीली निकाल लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए, और जब भी वायरिंग कीजिएगा फ्रेंड ये लिखा हुआ जो रहता है उसको ऊपर कीजिएगा। तो ये देखिए, हम इस टाइप से इसके जो सॉकेट है, सॉकेट को इजीली यहाँ पे लगा लेते हैं और उसके बाद हम स्विच को लगाएंगे इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा रेड लिखा हुआ है, देखिए ये रेड मेरा ऊपर साइड में जाएगा और बहुत सारे स्विच में यहाँ नीचे लिखा हुआ भी रहता है, उस हिसाब से आप स्विच लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वायर लेते हैं और वायर लेके हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं और कहाँ से इनपुट लेना है और कहाँ से आउटपुट लेना है ये बहुत सारे दोस्त को नहीं पता है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो स्विच है, स्विच में दो टर्मिनल है और ये सॉकेट है, सॉकेट में टोटल तीन टर्मिनल है। सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये जो मेरा स्विच है, स्विच में दो टर्मिनल है और ये जो सॉकेट है, सॉकेट में आपका तीन टर्मिनल दिख रहा है। तो ये स्विच में जो दो टर्मिनल है फ्रेंड, एक टर्मिनल आपका इनपुट का है और एक आउटपुट का है। तो बहुत सारे दोस्त को ये नहीं पता होता है फ्रेंड कि ये दोनों टर्मिनल में से मेरा इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। बहुत सारे दोस्त को देखिएगा कि जहाँ इनपुट लेना है वहाँ पे आउटपुट दे देते हैं और जहाँ पे आउटपुट लेना है वहाँ पे इनपुट दे देते हैं। और ये जो सॉकेट है फ्रेंड, जहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन होगा वहाँ पे फेज का कनेक्शन करते हैं और जहाँ पे फेज का कनेक्शन होगा वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। आज हम जिस तरीका से आपको बोर्ड वायरिंग करके दिखा रहे हैं फ्रेंड, इजीली इस टाइप से बोर्ड वायरिंग करके आप अपने घर का तो बोर्ड वायरिंग कर ही सकते हैं फ्रेंड, वायरिंग कर ही सकते हैं। आप दूसरा का भी कर सकते हैं और इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा स्विच का दो टर्मिनल जो है, ये आपका नीचे वाला टर्मिनल जो है फ्रेंड, ये आपका इनपुट है और ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है ये आपका आउटपुट है। तो सबसे पहले इस टाइप से एक छोटा सा रेड वायर लेंगे और ये रेड वायर उसी हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड, ताकि हम जब भी कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड, अगर एक साल, दो साल या पाँच साल के बाद ये वायर हीट हो जाने के कारण अगर थोड़ा सा ख़राब होता है तो इसको हम इजीली कटिंग करके फिर से कनेक्शन कर सके, इसी हिसाब से लीजिएगा। क्योंकि मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर रहना चाहिए, अगर आप पहले ही छोटा वायर कनेक्शन कीजिएगा तो ये आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, आप इसको पूरा चेंज करना होगा। तो जब भी बोर्ड वायरिंग कीजिएगा थोड़ा सा आपको बड़ा वायर लेना है, उतना भी बड़ा वायर नहीं लेना है फ्रेंड। तो ऊपर वाले टर्मिनल पर हम कनेक्शन कर लेते हैं फर्स्ट में और इसके स्क्रू को कस देंगे और स्क्रू प्रॉपरली कसिएगा फ्रेंड। स्क्रू अगर आप फुल फिटिंग नहीं कीजिएगा तो ये जो वायर है फ्रेंड, वायर आहिस्ता आहिस्ता हीट होने लगेगा और वायर जब भी हीट होगा फ्रेंड उसके बाद ये स्विच हीट हो जाएगा और हीट होने के कारण ये स्विच अक्सर ख़राब हो जाता है। स्विच ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है फ्रेंड कि आप ये जो स्क्रू लगे हुए रहते हैं स्विच या सॉकेट में, आप इसको फुल फिटिंग नहीं करते हैं, जिस कारण इसका जो वायर है वायर हीट होने लगता है और वायर हीट होने के बाद ये स्विच और सॉकेट भी हीट होने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो आप स्विच से जो आउटपुट टर्मिनल लिए एक हम और ये जो वायर का दूसरा सिरा बचा, उसको फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे दोस्त को देखिए कि किसी भी एक टर्मिनल पे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जो वायर है फ्रेंड, वायर का मेरा दूसरा सिरा जो है, इसको फ्रेंड सॉकेट के लेफ्ट साइड में कनेक्शन कीजिएगा। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे एल भी लिखा हुआ है, बहुत सारे स्विच में लिखा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है। तो जहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल मतलब लाइन होता है और एन मतलब न्यूट्रल होता है फ्रेंड। तो जहाँ पे फ्रेंड ये एन लिखा हुआ है, एन वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्शन करना है। अगर बहुत सारे सॉकेट में एन एल नहीं लिखा हुआ रहता है तो ईजिली आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि सॉकेट के लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल पर हमेशा, सॉकेट के लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल पर हमेशा आप फेज वायर का कनेक्शन कीजिएगा। तो ये जो वायर है फ्रेंड, वायर को हम इजीली यहाँ पे ये वाला टर्मिनल पे, एल वाला टर्मिनल पे हम इसको लगा देंगे, ये देखिए, और इसके स्क्रू को हम कस देंगे। इस टाइप से फ्रेंड मेरा फेज का कनेक्शन हो गया है। अब फ्रेंड हम न्यूट्रल और अर्थ का कनेक्शन करेंगे।
अब एक ब्लैक वायर लेंगे फिर और ये ब्लैक वायर को ये जो सॉकेट है सॉकेट के राइट साइड वाला टर्मिनल पे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे ये देखिए और इसके स्क्रू को कस देंगे। अब फिर एक रेड वायर लेंगे और ये जो स्विच एक मेरा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल जो बचा हुआ है फिर नीचे वाला टर्मिनल पे हम ये वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा इनपुट कनेक्शन हो रहा है फिर। अब फ्रेंड मेरा एक टर्मिनल बाकी है और ये वाला ऊपर वाला टर्मिनल जो है फ्रेंड सॉकेट का ये आपका अर्थिंग का कनेक्शन होता है इसमें फ्रेंड। तो यहाँ पे हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड हम ग्रीन वायर का कनेक्शन करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन वायर नहीं है तो कोई भी कलर का वायर आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ग्रीन वायर को हम ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा के इसके स्क्रू को कस देंगे। तो फाइनली फ्रेंड मेरा जो बोर्ड वायरिंग कर रहे थे उसमें बोर्ड वायरिंग फुली कनेक्शन पूरा हो गया है। न्यूट्रल फेज और आपका अर्थ का कनेक्शन कर लिए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इस कनेक्शन कैसे करना है। ये जो स्विच है फ्रेंड स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आपको एसी का फेज सप्लाई कनेक्ट करना है और ये जो स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल पे कनेक्शन होगा आउटपुट का वायर फ्रेंड। और ये जो वायर है फ्रेंड वायर सीधे जाएगा आपका सॉकेट के लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल पे। लेफ्ट साइड की वाला टर्मिनल पे हमेशा फेज का कनेक्शन होता है फ्रेंड आउटपुट कनेक्शन होगा। और इस टाइप से पलट के आप राइट साइड में कनेक्शन नहीं कीजिएगा फ्रेंड। इस टाइप से पलट के आपका राइट साइड में कनेक्शन होगा नहीं तो बोर्ड को यहाँ पे जैसे कि हम आपको बताएं कि लेफ्ट साइड में कनेक्शन होता है फेज का तो आप ऐसा नहीं कि पलट के लेफ्ट साइड में कनेक्शन कीजिएगा तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। अगर इस टाइप से कनेक्शन कर रहे हैं तो ये आपका राइट साइड में हमेशा राइट साइड में फेज का कनेक्शन होगा और अगर उल्टा करके आप इस टाइप से कनेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड तो लेफ्ट साइड में फेज का कनेक्शन होगा। और जो वायर है फ्रेंड वायर डायरेक्टली आपका सॉकेट पर जाएगा और जो अर्थिंग है अर्थिंग ऊपर वाला सॉकेट के ऊपर वाला टर्मिनल पे आप अर्थिंग का कनेक्शन कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा फ्रेंड जब भी आप बोर्ड वायरिंग कीजिएगा इसके अंदर बोर्ड के अंदर फ्रेंड छोटा बोर्ड हो या बड़ा बोर्ड हो वायर को आप जॉइंट नहीं कीजिएगा। जॉइंट कीजिएगा तो फ्रेंड बहुत जल्दी सॉकेट स्विच ख़राब हो जाएगा और शॉर्ट सॉकेट होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड। इसलिए कोशिश कीजिएगा फ्रेंड कि आप बोर्ड वायरिंग जब भी कीजिएगा स्विच सॉकेट के अंदर में आप वायर ज्वाइन नहीं कीजिएगा ना ही कोई टेप लगाइएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसको जो बोर्ड है बोर्ड का जो सीट है सीट में बिजली लगा लेते हैं। तो लगाने से पहले फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो बोर्ड है फ्रेंड बोर्ड में देखिए कटिंग करने के लिए ये जो वायर है फ्रेंड वायर को निकालने के लिए कटिंग करने के लिए ये दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस टाइप से फ्रेंड देखिए हम वायर को निकाल लिए हैं। अब ये जो सीट है फ्रेंड जो स्विच सॉकेट कनेक्शन किए हैं उसको हम इजीली यहाँ पे लगा के इसमें स्क्रू कस देंगे। अब फ्रेंड इसके जो दोनों स्क्रू को इजीली हम कस देंगे। तो फाइनली फ्रेंड देखिए हम सीट में स्क्रू लगा दिए हैं। अब इसके जो ऊपर का ढक्कन है फ्रेंड ढक्कन को इजीली लगा देंगे इस टाइप से। ये देखिए इसमें क्लिप लगे हुए रहते हैं फ्रेंड आप ऊपर से पुश कीजिएगा तो ये लग जाएगा। तो इस टाइप के कनेक्शन करके फ्रेंड आप इजीली अपने घर का स्विच बोर्ड को वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी।